खबर प्रयाग पुंछ बहराइच से, जहां प्राथमिक विद्यालय लालपुर में तैनात सहायक शिक्षिका हेमा यादव पर आए दिन विद्यालय में अनुपस्थित रहने का गंभीर आरोप विद्यालय की प्रधान शिक्षिका रेखा रानी की तरफ से लगाया गया है। जिस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी प्रयागपुर वीरेंद्र नाथ द्विवेदी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्रधान शिक्षिका रेखा रानी ने बताया कि बिना अवकाश के जबरन मनमाने तरीके से विद्यालय न आना सहायक शिक्षकों की आम बात हो गई है। पूछने पर उसके कोप का शिकार बनना पड़ रहा है। विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था पर दिनों दिन ग्रहण लगता जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी प्रयागपुर से कई बार कर चुकी हूं, फिर भी कोई असर नहीं पड़ता। कई दिनों तक विद्यालय न आने के बाद जबरन उपस्थिति पंचिका में हस्ताक्षर बनाने की धमकी दी जाती है। इस बाबत में जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है, जांच की जाएगी, जो दोषी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। माधुरी, और आपका बेटा? और तुम्हारा क्या नाम है? प्रेम मिश्रा। अच्छा ये बताओ आप सभी लोग, यहाँ पे कोई हेमा मैडम आती है पढ़ाने? हैं? आती हैं? कब आती हैं वो? कभी कभी आती हैं, मतलब डेली स्कूल नहीं आती हैं वो, तो आप लोगों को वो शिक्षा नहीं दे पाती हैं, नहीं पढ़ा पाती है ना, तो कोई दूसरा टीचर पढ़ाता होगा आपको? आती हैं बेटा, नहीं आती हैं? अच्छा बराबर नहीं आती है स्कूल, है ना। ये बच्चों का कहना है कि यहाँ पे एक हेमा मैडम पढ़ाती हैं, लेकिन शिक्षण जगत में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमियां हैं उनमें, इसलिए वो रेगुलर स्कूल नहीं आती हैं। बच्चों पर एक बहुत बड़ा कष्ट होता है कि जब उनकी टीचर सहायक शिक्षिका हैं हेमा यादव, जो आए दिन यहाँ पे सुर्खियों में बनी रहती है कि अक्सर गायब रहती हैं और जबरन अपना साइन बनाकर चली जाती हैं, इस संदर्भ में आप क्या क्या कहना है और आप इस स्कूल में किस पोज पर हैं? वर्तमान में तो मैं भी सहायक अध्यापक हूँ, लेकिन जो हमारे इंचार्ज हैं वो सीसीएल लीव पर हैं, तो आज मैं चार्ज पर हूँ और श्रीमती हेमा यादव चली जाती हैं अक्सर बिना सूचना के जाती हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा कह इसलिए नहीं पाते हैं, वो जब भी जाती है तो कहती मैं तो डायरेक्ट प्राचार्य को बताकर जा रही हूँ, तो ज्यादा हम लोग कह भी नहीं पाते हैं, जब उन्हें आना होता अपना आती, जब नहीं आना होता नहीं आती। उस संदर्भ में कहीं एप्लीकेशन या कोई जो है एप्लीकेशन उन्होंने किसी को दिया कि हम छुट्टी पे जाते हैं या नहीं है? हाँ, सभी लगभग सभी अधिकारियों को, हमारे खंड शिक्षा अधिकारियों को भी जानकारी दे दी गई है और रेखा रानी ने तो आप लोगों को भी जो है एप्लीकेशन भी बीएसए को जो भेजा है, और माननीय जो है हमारे श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमान बीएसए को भी भेजा एप्लीकेशन है, साक्ष्य सहित भेजा हुआ है और सूचना भी दे दी है। जहाँ तक बात आती है कि जबरन साइन बनाकर चली जाते हैं, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? हाँ हाँ, बहुत बार ऐसा करती है, चूंकि हम लोग अनुपस्थित नहीं लिख पाते हैं और जब सूचना देते हैं डायरेक्ट प्राचार्य का नाम ले देती हैं, तो ज्यादा हम लोग कह नहीं पाते हैं, वो हमारे सीनियर अधिकारी हैं। क्या सुनना पड़ता है? मैं सर्वेश हूँ जी, सहायक अध्यापक हूँ, आज वर्तमान में मैं इंचार्ज के पद पर कार्यभार ग्रहण किए हैं।